फिर से लौट रहे हैं नैतिक उर्फ करण मेहरा। 3 साल बाद अब इस शो से करने जा रहे हैं कमबैक। जी हां, टीवी एक्टर करण मेहरा एक बार फिर से छोटे पर्दे पर छाने के लिए तैयार हैं एक नए शो के साथ, नए किरदार के साथ। करण मेहरा शशि सुमित के नए शो मेहंदी वाला घर में नजर आएंगे। खबरें हैं कि ये शो सोनी टीवी पर जल्द ही ऑन एयर किया जाने वाला है। हालांकि अगर आपको ये लग रहा है कि करण इस शो में लीड रोल निभाते नजर आएंगे तो जरा ठहरिए, क्योंकि करण का किरदार इस शो में लीड रोल में नहीं होगा, बल्कि इस शो में करण लीड एक्टर के पैरेलल रोल में नजर आएंगे, यानी कि उनका किरदार भी बेहद अहम होने वाला है इस शो में। आपको बता दें कि इस शो में लीड रोल में ये रिश्ता फिल्म एक्टर शहजाद शेख नजर आएंगे, तो वहीं उनकी लेडी लव बनेंगी एक्ट्रेस श्रुति आनंद। वहीं खबरें हैं कि शो में रिम वोहरा करण की ऑन स्क्रीन वाइफ का किरदार निभाएंगी। बता दें कि मेहंदी वाला घर शो का फिलहाल टेंटेटिवली टाइटल ही है। ये एक ज्वाइंट फैमिली के इर्द गिर्द नजर आने वाला शो होगा, जिसमे उनके रिश्तों को काफी ड्रामेटिक तरीके से दिखाया जाएगा। बता दें कि इस शो के जरिए करण मेहरा 3 साल के लंबे वक्त के बाद टीवी पर वापसी कर रहे हैं। करण को आखिरी बार साल 2020 में आए शो शुभारंभ में देखा गया था, जिसमें उन्होंने कैमियो रोल निभाया था। जाहिर तौर पर टीवी के नैतिक को इस शो में देखने के लिए फैंस में भी काफी एक्साइटमेंट होगी कि आखिर इस बार अपने किस नए अंदाज से करण फैंस का दिल जीतेंगे। बता दें कि करण मेहरा को टीवी पर पहचान राजन शाही के शो ये रिश्ता क्या कहलाता है से मिली थी। इस शो में उन्होंने सालों तक नैतिक सिंघानिया का किरदार निभाया था। इस शो से एग्जिट लेने के बाद करण कई शोज में नजर आए थे, जिसमें बिग बॉस, एक भ्रम, सर्वगुण संपन्न, वहीं वो पंजाबी शो मावा ठंडिया छावा, कुल शशि सुमित के टीवी शोज अक्सर जनता को काफी पसंद आते हैं। वो अपने यूनिक कॉन्सेप्ट के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में अब उनके नए शो मेहंदी वाला घर में क्या कुछ नयापन नजर आएगा और करण का कमबैक कितना दमदार होगा, ये देखने वाली बात है।